सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर आज आपको बड़ी बड़ी खबरें सुनने और देखने को मिलने वाली हैं। आपको बता दूं कि प्राइम टाइम दो आज आएगा, यानी दो रिपोर्ट आएंगी अलग अलग इंटरनेशनल की, क्योंकि आज खबरें ज़्यादा हैं और बहुत सारे इनपुट्स हैं। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे देखने वाले ऐसे 68% हैं जिन्होंने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बहरहाल आपको ये जानकर खुशी होगी कि रजा ग्राफी आपकी दुआ से सिर्फ इंडिया में नहीं, सारे दुनिया में देखा जा रहा है, और आपकी दुआओं का ही सबब यह है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद, मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद, रजा ग्राफी पूरे सच्चाई के साथ, सबूत के साथ आपके सामने और दुनिया के सामने आ रहा है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान ने इसराइल को खुली धमकी दे दी है। साफ साफ, कोई दबे छुपे अल्फाजों में नहीं, और किसी नेता, किसी पॉलिटिशियन या छोटे मोटे कार्यकर्ता ने नहीं, IRGC के कमांडर ने ईरान की तरफ से, यानी ईरान ने खुली धमकी इसराइल को देते हुए कहा कि आने वाले वक्त में इराक में हम इसराइल के छावनियों को निशाना बनाएंगे। आपको याद दिलाना बेहद ज़रूरी है कि इराक में एरबिल की जगह पर, इसराइल के खुफिया ठिकाने पर, ईरान ने 12 बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर दुनिया को हिला दिया था। अभी उसका दर्द दुनिया नहीं भूल पाई और इसराइल को उसका खौफ भी ख़त्म नहीं हुआ कि उधर से अमेरिका का एक बड़ा ऐलान सामने आया। अमेरिका बाइडन प्रशासन इस बात की तैयारी कर रहा है कि बाइडन प्रशासन से पहले ट्रंप सरकार ने, यानी ट्रंप ने ईरान के कमांडर, ईरान की सेना IRGC को टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया था, यानी ब्लैक लिस्ट कर दिया था। एरबिल में ईरान ने अपनी दबंगई दिखाई, इसके बावजूद अब बाइडन प्रशासन ने IRGC यानी ईरान की सेना को ब्लैक लिस्ट और टेररिस्ट लिस्ट से निकालने का विचार करना, सोचना उसके बारे में शुरू कर दिया। और इनपुट्स के माने तो बाइडन प्रशासन कुछ कुछ चीज़ों पर सिग्नेचर यानी दस्तखत कर चुके हैं। बहुत जल्द आने वाले वक्त में बड़ा फैसला भी सामने आ सकता है। अभी यही चल रहा था कि इसराइल को बड़ी टेंशन हो गई। इसराइल ने अमेरिका के आगे तो हाथ ही जोड़ दिए कि अपने साथियों का साथ ना छोड़ें, यानी IRGC को टेररिस्ट लिस्ट से ना निकालें। IRGC को टेररिस्ट लिस्ट से निकालने की जब बात चली तो इसराइल इतना ज़्यादा परेशान हुआ कि खुद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेनेट और फॉरेन मिनिस्टर लैपेट दोनों ने मिलकर स्टेटमेंट जारी करी कि पहली बात तो हमें उम्मीद है कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा और अमेरिका अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो ईरान काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में मजबूत हो जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने, यानी इसराइल ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा कि ईरान ही पूरी दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सोल्जर्स को भी, अमेरिकी सैनिकों को भी निशाना बनाते रहते हैं, तो कुछ भी करने से पहले बाइडेन प्रशासन सोच ले। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ साबित करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, अमरीका और इसराइल, खासकर इस वक्त बात करेंगे सिर्फ अमरीका की, अमरीका ईरान के हर हमले के बाद क्या कहता आया है, हमारे कोई सैनिक घायल नहीं हुए, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा कोई सैनिक मारा नहीं गया। लेकिन आज मैं आपको अमेरिका की ही ज़बान से अमेरिका को ये झूठा साबित करूंगा। आपकी स्क्रीन पर ये स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, न्यूज़ लगा रहा हूँ, जो अमेरिका के टॉप कमांडर जनरल मैकेंजी ने स्टेटमेंट जारी किया है। इन्होंने कहा है कि अमेरिका को, यानी हमें टेंशन ये है कि इसराइल और ईरान के भिड़ंत में, जंग में हमेशा से अमेरिका को ही नुकसान होता आया है। आगे उन्होंने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि जब भी इन दोनों के बीच कुछ होता है तो अमेरिकी सैनिक निशाने पर होते हैं। जाहिर सी बात है, ईरान ही तो हमला करता है अमेरिकी सैनिकों पर, इसराइल तो नहीं करता। तो
जनरल मैकेंजी का ये कहना कि हमारे सैनिक मारे जाते हैं इस बात की दलील है कि इससे पहले अमरीकी सैनिकों पर जितने भी ईरान के द्वारा ऑपरेशन किए गए, ड्रोन अटैक किए गए, बमबारी की गई, मिसाइल मारी गई, उसमें अब आप समझ लीजिए कि नुकसान तो काफ़ी बड़ा उठाया है। जनरल मैकेंजी ने दोस्तों बहुत बड़ी बात कही है। अब अगर आप 1% भी हक के साथ है तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ी बात कह रहा है। अमेरिका के टॉप कमांडर ने कहा है कि ये बेशक सही बात है कि इसराइल को ईरान से डर है, ईरान की टेंशन है, और ये भी बात बिल्कुल 100% सही है कि ईरान का लक्ष्य, टारगेट सिर्फ और सिर्फ इसराइल का खात्मा है। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, वो जो कंट्रीज जो अपने देश में बेरोज़गारी और करेंसी का बुरा हाल दिखा के, बेरोज़गारी दिखा के उसके नाम पर इसराइल से गले आज मिल रहे हैं, सवाल ये खड़ा होता है कि ईरान ये काम क्यों नहीं कर सकता। ईरान भी अगर अमेरिका से हल्का सा नरम पड़ जाए, ईरान इसराइल के साथ हल्का सा अपनी ज़बान को मीठा कर ले जैसे दूसरी कंट्रीज़ ने किया है, तो क्या ईरान के अच्छे दिन नहीं आ सकते? आ सकते हैं, बस बात ज़मीर की होती है भाई साहब। दो तरह के लोग होते हैं, पहले भी समझा चुका हूँ। एक होता है गैरतमंद, जिसके यहाँ बात लग जाती है ना वो झुकता नहीं है चाहे भूखा मर जाए, और एक होता है बेगैरत, जिसे अपनी सिर्फ परवाह होती है कि मैं, मेरा और मेरी चीज़, बस ये ठीक होना चाहिए, बाकी इज्जत गई भाड़ में, समझ रहे हैं। तो दुनिया में ऐसी एक कंट्री है जो हमेशा से इसराइल और अमेरिका के आगे नहीं झुकी है, इस बात का रिकॉर्ड है, और वो है ईरान। ईरान की तरफदारी फिर से बोल रहा हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम सारा दिन गरियाओ, लेकिन इतिहास आपको देखना पड़ेगा, और इतिहास को मार दीजिए गोली, अभी के हालात आप देख लीजिए। ईरान की हालत बहुत बुरी है। बच्चों को समझाने के लिए बता दूं कि वहाँ की करेंसी का हाल ऐसा है कि अगर आपको 5 जोड़ी कपड़े लेने जाने होंगे ना, तो एक थैले में पैसे भर के ले जाने पड़ेंगे, इतने नोट। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ के इतने नोट की वैल्यू इतनी सी है, समझे? आगे बढ़ो दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान के खिलाफ एक बड़ी रिपोर्ट जारी करी है। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ये यूएन ने बताया है कि इस साल यानी 2021 में 280 लोगों को ईरान ने फांसी देकर यानी मौत दे दी, मौत की सज़ा दे दी। इस पर ईरान ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये ईरान की इमेज ख़राब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्लानिंग है। बहरहाल सही और गलत क्या है वक्त बताएगा। आपको एक मज़े की बात ईरान के बारे में बताऊं, अभी मैंने आपको बताया था कि मूसाद के डायरेक्टर का ही फ़ोन हैक कर लिया ईरान के हैकर्स ने, और सारी जानकारी पब्लिक में डाल दी। मूसाद सबसे खुफिया एजेंसी है, ये समझ लीजिए कि उस खुफिया एजेंसी की धज्जियां उड़ाने वाला पूरी दुनिया में एक ही मुल्क बन गया, वो है ईरान, जिसने सिर्फ मूसाद के डायरेक्टर की नहीं, अब नई जानकारी के मुताबिक मूसाद के कमांडर और डायरेक्टर की बीवी का भी फ़ोन हैक किया गया था, जिसमें बहुत सारा वीडियो, बहुत मतलब ऑब्वियसली जो भी फ़ोन के अंदर डेटा था वो सब का सब ईरान को मिला। इतना ही नहीं, पुराने फ़ोन्स को भी हैक किया गया। ऐसी ऐसी जानकारी ईरान के हाथ लगी जिसकी वजह से अब खुद इसराइल 24 घंटे मुसीबत और टेंशन में है। दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको और बता दूं कि सीरिया वो कंट्री है जो पूरी दुनिया का एक मैदान जंग है, जहां पर रूस, तुर्की, अमेरिका, ईरान, इसराइल सबकी सब सेना वहां पर मौजूद है, और आपस में ही दनादन दनादन लड़ते रहते हैं। आपको बता दूं 2011 के बाद पहली बार अरब कंट्री में गए हैं सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद, आपकी स्क्रीन पर देखिए, अबू धाबी वो पहुँचे और प्रिंस उनको खुद लेने के लिए वो पहुँचे थे। अब आपको बता दूं कि दोनों ने मुलाकात में बहुत सारे मुद्दों पर बात करी, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीरिया के जो लोग और लड़ाके हैं वो रूस की सपोर्ट में और रूस की तरफ से यूक्रेन से लड़ने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में यूएई के प्रिंस और बशार अल असद ने यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर भी बात करी।
एडिशनल रिपोर्ट हासिल होते ही आपके सामने ज़रूर हाजिर होऊंगा इस बारे में अलग से आपको बताने के लिए। बच्चों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे बुरे हालात अगर किसी कंट्री के हैं तो वो सीरिया है। सीरिया के बारे में कहा यह जाता है रिपोर्ट के मुताबिक कि सीरिया की आधी आबादी जंग में तबाह हो चुकी है। सीरिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर पूरी दुनिया की हर लगभग सारी कंट्रीज यहाँ तक कनाडा की भी फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि उस सीरिया को दोबारा से बनाने के लिए $10 बिलियन से भी ज़्यादा पैसा खर्च होगा, बिलियन। इसके अलावा आपको बता दूं कि एक वो वक्त था कि जब 22 अरब कंट्रीज़ ने खुद अपने हिस्से यानी सीरिया को अरब लीग से निकाल दिया था, तब से लेकर अब तक सीरिया अपनी जंग खुद लड़ रहा है और सीरिया का हाल बुरा हो चुका है। आपको बता दूं कि बशार अल असद का यानी सीरिया के प्रेसिडेंट का यूएई पहुंचना ऐसा है जैसे सीने पर सांप लौटना। सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि किसके सीने पर सांप लौटना? बहुत सिंपल जवाब है भाई, अमरीका के सीने पर सांप लौटना। अमरीका ने जब ये देखा कि बशार अल असद यूएई पहुंच गए हैं तो उन्होंने बयान जारी किया अमरीका ने कि ये बेहद दुखद है क्योंकि जंग सीरिया में करवाने वाला अमरीका है। कल तक यूएई पूरी तरह से किसके साथ था? अमेरिका के साथ था। अमेरिका यूएई सऊदी अरब के साथ था। आज यूएई और सऊदी अरब थोड़ा सा अमेरिका से दूर क्या हो गए और सीरिया के थोड़े से करीब क्या हो गए? नींद उड़ गई शैतान की। इतना बौखला गया अमेरिका कि नेट प्राइस दे ये ऐलान किया, ये स्टेटमेंट दिया कि पूरे सीरिया पे जिस तरह से प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं उस प्रतिबंध को नहीं हटाएगा अमेरिका। बौखलाहट देखिए। आखिरी और बड़ी खबर आपको इस रिपोर्ट की बताता चलूं। आपको मेरी रिपोर्ट अगर याद होगी तो मैंने आपको अपडेट दिया था सबसे पहले कि सऊदी अरब ने यमन के लड़ाकुओं के सामने घुटने टेकते हुए सऊदी अरब ने यमन के लड़ाकुओं को अपने मुल्क इनवाइट किया था कि आइए और बैठकर बात करिए। यमन ने उनका इन्विटेशन एक्सेप्ट तो किया है लेकिन कंडीशन बड़ी अजीब रख दी है। मतलब अजीब क्या, जेन्युइन रखी है। यमन के तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि हम आने के लिए राजी हैं लेकिन हम तीसरी कंट्री में जाएंगे, यानी सऊदी अरब में बात नहीं होगी ना यमन में बात होगी, बात होगी किसी तीसरी कंट्री के अंदर जो जंग में इन्वॉल्व ना हो। बिल्कुल उनकी डिमांड जायज़ है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।